जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो काल गणना में। आज मैं आपको तुला राशि और तुला लग्न के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, सक्सेसफुल होने का समय आ गया। 1 दिसंबर 2023 से और 1 मई 2024 तक ग्रहों की कैसी स्थिति बनी हुई है, जो तुला लग्न और तुला राशि के लिए बहुत अच्छा समय लेके आ रही है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर मैंने जन्म पत्रिका निर्माण किया है बोर्ड पर, उसको समझें। जहाँ पर 7 अंक लिखा वो आपकी राशि तुला राशि है, 7 में तुला लग्न वाले भी इस राशिफल को देखें। आपकी राशि में ही शुक्र ग्रह विराजमान है और आपके व्यय भवन में जहाँ पर 6 अंक लिखा वहाँ पर केतु ग्रह विराजमान है। आपके द्वितीय भवन में जहाँ पर 8 अंक लिखा वहाँ पर सूर्य और मंगल विराजमान है। तृतीय भवन में जहाँ पर 9 अंक लिखा वहाँ पर बुध ग्रह विराजमान है। और आपके पंचम भवन में जहाँ पर 11 अंक लिखा वहाँ पर शनि ग्रह विराजमान है। और आपके छठे भवन में राहु ग्रह विराजमान है। और आपके सप्तम भवन में जहाँ पर 1 अंक लिखा वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। और भाग्य भवन में जहाँ पर 3 अंक लिखा वहाँ पर चंद्रमा ग्रह विराजमान है। 30 नवंबर के बाद शुक्र ग्रह का परिवर्तन हुआ है। शुक्र ग्रह आपकी राशि के मालिक बनते हैं, तुला राशि के, तुला लग्न के। और वो पहले नीच अवस्था में थे, यानी कि व्यय भवन में थे, और वो अब आपकी ही राशि में बैठ करके राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, मालव्य नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और साथ में बहुत बड़ी जो बढ़िया स्थिति बनी हुई है वो देख लीजिए, धनवान ग्रहों के योग बने हुए हैं तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए, वो समझें आप। जो आपके धनेश हैं यानी कि धन भाव के मालिक बनते हैं आपके मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह धन भाव में ही विराजमान है। और साथ में लाभेश जो आपके एकादशी जहाँ पर 5 अंक लिखा हुआ वो आपके लाभेश बनते हैं सूर्य ग्रह, और वो भी जा करके आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। और जो आपके भाग्येश हैं जहाँ पर 3 अंक लिखा हुआ उसके स्वामी बनते हैं बुध ग्रह, और बुध ग्रह आपके पराक्रम भवन में बैठे हुए हैं, यानी कि आपके तृतीय भवन में बैठे हुए हैं। ये स्थिति बहुत बढ़िया बनी हुई है। और ये साथ में आपके व्यय भवन के मालिक, 12वें भवन के मालिक भी बनते हैं, विदेश भवन के मालिक भी बनते हैं। और आपके पंचमेश जो आपके शनि ग्रह हैं, शनि ग्रह आपके पंचम भवन में बैठे हुए हैं, पंचमेश पंचम में बैठे हुए हैं। और छठे भवन में राहु ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं, राहु ग्रह यहाँ विराजमान है। और देवक गुरु बृहस्पति अपनी प्रिय राशि मेष राशि में केंद्र में विराजमान है। ग्रहों की स्थिति तुला लग्न और तुला राशि के लिए बहुत अच्छी बनी हुई है 30 नवंबर के बाद। और 1 दिसंबर से पूरे 1 मई 2024 तक आपके साथ जो बातें होने वाली वो देख लीजिए। आपके लिए धन का योग बहुत अच्छा बना हुआ, जो तुला लग्न वाले व्यापार करते हैं, रोजगार करते हैं, या आप प्राइवेट सेक्टर में हैं या आप सरकारी डिपार्टमेंटों में हैं, तो तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी सुधर रही है। धन के योग बहुत तीव्र गति से आपके धन आने वाला है, और धन की जो समस्या है वो समस्या कहीं ना कहीं समाप्त हो रही है आपके लिए। अपनी क्षमता के अनुसार जो जितना पढ़ा लिखा होगा, जितना जिसका जितना बड़ा व्यापार होगा, जितना बड़ा रोजगार होगा, उस अनुसार अपन उसके पास उतने धन आने का योग बन रहा है। यानी कि करोड़ों रुपये भी आ सकते हैं, मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन करोड़ों रुपये भी आ सकते हैं। क्योंकि आ सकते हैं क्योंकि अपनी गुंजाइश के अनुसार, क्योंकि धनवान तो योग को बना हुआ है कि देखिए लग्नेश लग्न में, धनेश धन में, लाभेश धन भवन में, भाग्येश पराक्रम में, और ज्ञानी ज्ञान भवन में, तो ये बहुत बड़ा योग बना। और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति राशि पर दृष्टि पड़ गई है, और शुक्र की दृष्टि देवगुरु पर, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पर, ये बहुत बड़ा योग बनना, यानी ऊर्जा ज्ञान की वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, और साथ में विदेश से जुड़े हुए जितने रोजगार हैं बहुत तीव्र गति से आपके चलेंगे। धन की स्थिति बहुत सुधरने वाली है तुला राशि और तुला लग्न वालों की, और ज्ञान की वृद्धि होगी, और देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ को भी देख रहे हैं, यानी लाभ के अवसर आपको पूरे 1 मई 2024 तक लाभ के अवसर आपको मिलते रहेंगे। मेहनत आप तुला राशि वाले करते रहें, बिल्कुल भी आलस्य न करें, क्योंकि पंचम भवन में शनि ग्रह विराजमान, ये थोड़ा सी आलसी भी बनाते हैं व्यक्ति को, लेकिन यहाँ पर शनि ग्रह ने एकदम उन्नति तो
धीरे धीरे उन्नति करते हैं शनि ग्रह, लेकिन जब उन्नति करते हैं, जब शिखर पे पहुंचाते हैं, तो व्यक्ति के सामने दूसरा व्यक्ति टिक नहीं पाता, यानी उसके समान दूसरा नहीं हो पाता जब शनि ग्रह जब इसको देने वाले बनते हैं। तो शनि ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन आलस्य बिल्कुल नहीं करना है आपने। भूमि भवन प्रॉपर्टी का सुख आपको मिल रहा है, कुटुंब में पैतृक संपदा से लाभ है आपका, और साथ में आपके स्वास्थ्य को लेकर जो भी परेशानी होगी स्वास्थ्य में सुधार होगा। कोल्ड कचहरी के जितने मामले, जो राहु आपके छठे भवन में विराजमान है, और कोल्ड कचहरी के जितने भी आपके पहले जो विवादित मामले हैं वो सभी मामले सुधरने वाले, आपके पक्ष में हर एक निर्णय आने वाला है। तुला राशि वालों ने बहुत समय से भोग रहे थे तुला राशि वाले, और तुला राशि वालों को बता दो ऐसी स्थिति बनी हुई है आपके लिए, ये दिसंबर से ही बहुत स्ट्रांग स्थिति है। अगर आपका कोई विवाद है, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपकी सुलझने वाली है, ग्रहों का ऐसा योग बने, बशर्ते आपकी जन्म कुंडलियां जन्म पत्रिका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर वैसे भी आपकी जन्म पत्रिका थोड़ा सी कमज़ोर भी है, लेकिन दशाएं अच्छी हैं, तो आपके लिए ये गोचर बहुत अच्छा फल देगा। और विद्यार्थियों के लिए मैं बताऊँ, पठन पाठन के लिए स्थिति आपकी बहुत सुधरेगी। पहले जो तनाव था, मानसिक तनाव तुला राशि के जो बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनके लिए तनाव बहुत ही कम होगा। पढ़ाई लिखाई के लिए पर आप कर जो है मन लगेगा, साथ में उच्च शिक्षा के लिए बढ़िया है, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत बढ़िया है, अनुकूल समय रहेगा। ये पूरा 2024 से 1 मई तक बहुत अच्छी स्थिति आपकी बनी हुई है। और नौकरी के लिए अगर आप सरकारी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तुला राशि वाले, ये योग जो है सरकार से जुड़े हुए मामलों से लाभ लेने का है। 1 मई 2024 तक आपको सरकार से जुड़े हुए जितने मामले हैं, या सरकार नौकरी में आप जाना सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको फायदा होगा, नौकरियाँ आपको मिलेंगी। और प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा, व्यापार रोजगार के लिए तो मैं बोलूँ बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि शुक्र ने ही बहुत बढ़िया योग बना रखा, राजयोग माल्यव्य नामक राजयोग बना हुआ आपकी राशि में, और विदेश से जुड़े हुए मामलों में आपकी वृद्धि होगी। तुला राशि वाले जितने भी विदेश में रहते हैं उनके लिए वहाँ पर उन्नति के अवसर बन रहे हैं, लेकिन आपको हल्के फुल्के वाद विवाद से बचे तुला राशि। मैं तुला राशि वालों को कह रहा हूँ, अब आप थोड़ा प्यार से रहें, सबसे मतभेद किसी से समाप्त करें, जो भी पहले हुआ उसको भूल जाएं। अब आपका समय है संभल, जो आपने तप किया, जो आपने परिश्रम किया, उस परिश्रम का फल खाने का समय है, यानी कि अब आपको जो आपने फसल बोई थी वो फसल काटने का समय आ गया। ग्रहों की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी अनुकूल है, बस विवाद में आप न फंसें। और धर्म में आपकी बहुत रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कार्य तुला राशि वाले बहुत अधिक से अधिक करेंगे, पूरे 18 महीने तक बता रहा हूँ, क्योंकि तो आपके 12वें भवन में रहेंगे। धार्मिक कार्य अधिक से अधिक करें, और अपने घर में कुछ ना कुछ कराते रहें, धर्म से जुड़ें, और ये केतु 12वें भवन में बहुत अच्छा फल देते हैं। आपके जितने भी पहले के जो भी केस फंसे हुए, जो भी चीज़ आपने खोया है, वो सब पाने का समय बना हुआ है, योग बहुत अच्छा है। और प्रॉपर्टी से भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, माता पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, और विवाह का योग बन रहा है, विवाह दाम्पत्य जीवन मधुरता है, क्योंकि देवा गुरु बृहस्पति आप वहाँ विराजमान है, और ऊर्जा बढ़ेगी, विवाह का योग होगा, संतानित सुख आपको प्राप्त होगा, संतान का सुख भी आपको प्राप्त होगा। और आपकी संतानें जो भी हैं, पहले जो परेशानी थी संतान को लेकर, वो परेशानी भी समाप्त हो रही है, आप उपाय कर लीजिए। आपके लिए बहुत स्ट्रांग उपाय है, पहले देवी की उपासना करना, देवी आज आपके राशि के मालिक शुक्र ग्रह बनते हैं, दिन हिन्दू की मदद करिए शुक्रवार के दिन, और माँ भगवती का शरण में जाइए, माँ भगवती अधिक से अधिक पूजा पाठ करिए, और शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन जरूर करिए, और बुधवार के दिन गणेश जी की स्तुति करें, गायों की सेवा करें, और प्रकृति की सेवा करें। कभी कभी महीने 2 महीने 3 महीने में तीर्थ में जाकर के स्नान अवश्य करें, गंगा स्नान अवश्य करें, ये गंगा स्नान आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और साथ में सूर्य को अर्घ्य नित्य प्रतिदिन देना ही देना है आपने, आपके लिए बहुत बढ़िया स्थिति बनी हुई है। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपने जन्म पत्रिका जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, नीचे अपॉइंटमेंट नंबर 4 इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपने जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं मुझसे। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार, जय माता दी।